एमआई का A1 बहुत दिन के बाद ये रिपेयर होने के लिए सेट आया है, दूसरे शॉप से आया है, ये फ़ोन डेड है। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों, पहला स्टेप अभी तक किसी ने इसमें काम नहीं किया, ठीक है। तो पहला स्टेप हमें चेक कर लेना है शॉर्टिंग, रिवेट लाइन शॉर्ट है या क्या है वो हमें चेक कर लेना है। रिवेट लाइन हमें चेक कर लेना है दोस्तों यहाँ पे, तो वीवेट लाइन हमारा सही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेकेंडरी लाइन चेक करना है, दो स्टेप पहले चेक कर लेना है आपको, ठीक है। फ़ोन बिल्कुल ही डेड है ये, तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। सेकेंडरी लाइन आप यहाँ कभी सीटर के पास भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डायोड है लगा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे बूस्ट कॉइल के पास हमारा ये शॉर्टिंग है। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, ये कैपेसिटर है, दोनों तरफ शॉर्ट है, तो सेकेंडरी लाइन कहीं ना कहीं शॉर्ट है। अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले इससे हमें ट्राई करना है, ठीक है। शॉर्टिंग हटाने के लिए पहले इससे हमें ट्राई करना है, अगर इससे हट जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगला स्टेप भी हम बताएंगे आपको। अब इसे दोस्तों हमें कहाँ पे टच करना है वो भी हम आपको बताते हैं। जहाँ पे हमारा एरिया है सौ डीपीएच लाइन का, वहाँ पे आपको इसको टच करना है। देख सकते हैं धुआं ही धुआं आ रहा है, इसी से ही दिक्कत है दोस्तों, बड़ा इसी शॉर्ट है मेरे ख्याल से, ठीक है। यह इसी थोड़ा बाहर करते हैं, अभी भी दोस्तों शॉर्ट ही है ये, ठीक है। कैपेसिटर निकालने के बाद नहीं हुआ है दोस्तों, तो ये हमें दूसरा स्टेप में ये आईसी हमें निकालना है, ठीक है। पहला स्टेप में आपने देखा कि बहुत सारा धुआं आया इसमें से, लेकिन शॉर्टिंग नहीं हटा, ठीक है। दूसरा स्टेप हमें ये करना है, अब हमें चेक करके देखना है यहाँ पे, अभी भी दोस्तों शॉर्टिंग है, ठीक है, अभी भी हमारा शॉर्टिंग बाहर नहीं आया है। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इसको हटाते हैं। यहाँ पे शॉर्टिंग हट गया, ठीक है, छोटा सा कैपेसिटर शॉर्ट था लेकिन ये हट नहीं पा रहा था। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं चेक करके, तो यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग हमारा निकल गया दोस्तों। अब यहाँ पे बीपीएच पावर के पास भी हमारा शॉर्टिंग हट गया है। पावर आईसी को फिर से हमें लगा देना है, पावर आईसी को दोस्तों उसी तरीके से हमें लगा देना है, ठीक है। कैपेसिटर भी हमें लगा देना है, चलिए पावर आईसी कैपेसिटर दोनों हमने लगा दिया है। थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, ठंडा हो चुका है ये, ठीक है। शॉर्टिंग हमारा निकल गया है, पावर आईसी भी हमने लगा दिया दोबारा से इसको, ठीक है। तो बिल्कुल सही हो चुका है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही।